एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिलहाल हूँ मैं मुंबई में और ये एक वीडियो मैं बना रही हूँ जहाँ मैं जाने वाली हूँ मुंबई टू देहरादून, फिर देहरादून से हरिद्वार। और मैं करने वाली हूँ अकेले ट्रैवल, यानी कि सोलो ट्रैवल। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं फर्स्ट टाइम 5 दिन के लिए बाहर निकल रही हूँ घर से, वो भी अकेले, और सब कुछ खुद मैनेज करना होगा। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं जस्ट थोड़ी देर पहले उठी हूँ और अब मैं होंगी तैयार, और तैयार होके जल्दी से जाऊंगी एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट। सो यहाँ बारिश भी हो रही है, मौसम इतना अच्छा नहीं है मुंबई का और देहरादून का, देखते हैं कि मौसम कैसा रहता है। तो ये एक पूरा जो वीडियो मैं बना रही हूँ, जो 5 दिन का मैं जो भी वीडियोस बनाऊंगी आपके साथ, आपको दिखाऊंगी। और मैं जाने वाली हूँ मुंबई टू देहरादून, फिर हरिद्वार, फिर हरिद्वार में कुछ दिन स्टे करूंगी, उसके बाद मैं जाऊंगी ऋषिकेश। सो अकेले जा रही हूँ, सब कुछ खुद मैनेज करना है, जाना अकेले है, होटल खुद अकेले बुक करना है। सो वो सब मैंने कुछ बुक नहीं किया है, बट होटल मैंने देख रखे हैं कि कौन से होटल में जाना है, वहीं जाके मैं देखूंगी होटल कैसा है, उसके बाद डिसाइड करूंगी कि कौन से होटल में रुकना है। तो ये एक वीडियो होने वाला है जहां मैं आपको लेके जाऊंगी अपने साथ सैर कराते हुए, पहले मुंबई टू देहरादून, फिर देहरादून से मैं कैब करूंगी और मैं जाऊंगी हरिद्वार। तो आज रात को तो, आज तो पूरा दिन बस ट्रैवल में ही गुजर जाएगा, तो इस वीडियो में आपको बस अच्छे अच्छे व्यूज दिखेंगे, देहरादून दिखेगा और हरिद्वार में मैं आपको जिस होटल में रुकूंगी वहां का छोटा सा एक रूम टूर भी करा दूंगी। तो इस वीडियो में इतना ही होने वाला है और कल से आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको हरिद्वार लेके जाऊंगी अपने साथ, ऋषिकेश लेके जाऊंगी। और अकेले हूँ तो एकदम अलर्ट रहना है, अच्छे से सब कुछ मैनेज करना है और सही सलामत घर भी आना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। सो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार मैं, मतलब पहली बार मैं अकेले ट्रैवल करने जा रही हूँ, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। सो अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं तैयार होती हूँ और आपको मिलती हूँ रास्ते में, तब तक आप मेरे चैनल पे बने रहिए। आपने देखा कि आपको बता ही दिया कि मैं कहाँ जा रही हूँ और सब कुछ हो चुका है और सिक्योरिटी चेक हो चुका है, बस मैं अपने गेट के बाहर बैठी हुई हूँ। सो मेरा बोर्डिंग टाइम 1:55 है और बस मैं बैठी हुई हूँ, टाइम पास कर रही हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ और नर्वस बिल्कुल भी नहीं हूँ, बिकॉज नर्वस रहूँगी तो ट्रिप को मुझे मैं ट्रिप पे इंजॉय नहीं कर पाऊँगी, तो इसलिए मैं नर्वस तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट एक्साइटेड बहुत हूँ क्योंकि फर्स्ट ट्रिप है और वो भी मैं अकेले जा रही हूँ। तो जैसे जैसे मैं एक्सपीरियंस करूँगी मैं सब कुछ आपको बताऊँगी, कहाँ कहाँ जाऊँगी वो भी सब बताऊँगी। तो अब मैं आपको मिलूँगी प्लेन में और उसके बाद जो जितना भी हो सकेगा मैं शूट करूँगी। सो बाय।
पहुंच चुकी हूँ हरिद्वार। जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं हरिद्वार जाने वाली हूँ, तो मैं पहुंच चुकी हूँ हरिद्वार के होटल में। और बेसिकली ये होटल शिव मूर्ति चौक, अगर आपको पता होगा हरिद्वार स्टेशन के थोड़ी सी दूर पे एक शिव मूर्ति चौक है, उसी की लेन के अंदर एक ये होटल है जहाँ मैं ठहरी हूँ। और यहाँ हरिद्वार में मैं 3 दिन रहने वाली हूँ, तो आज और 2 दिन और रहूँगी। तो आज तो मैं कहीं गई नहीं क्योंकि मैं इतनी थक गई हूँ कि जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। रात तक मैं, रात को तो घर आई हूँ, रात को तो होटल आई हूँ, तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई। बस मैं नहाई धोई, उसके बाद मैंने खाना खाया और अब रात के 10:30 हो रहे हैं और मेरे को बहुत ज़ोरों की नींद आ रही है, बिकॉज इतना लंबा ट्रैवल हो गया है ना कि थकावट हो गई है। तो आज तो ऐसा कुछ किया नहीं क्योंकि आज का पूरा दिन ट्रैवलिंग में ही निकल गया। तो कल मैं जाने वाली हूँ, जहाँ भी जाऊँगी, अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं है कि मैं हरिद्वार में कहाँ कहाँ घूमूंगी, क्या क्या है देखूंगी। जहाँ मंदिर जाऊँगी, गंगा घाट जाऊँगी, हर की पौड़ी जाऊँगी, तो वो सब आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। और ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करूँगी, बट आपको मैं थोड़ा सा अपना रूम टूर करा देती हूँ कि कैसा, किस होटल में मैं हूँ और रूम अंदर से कैसा है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो रूम बहुत ही बेसिक सा रूम मैंने लिया है, ये आपको अलमीरा दे रखी है। और ये आपको मिल जाएगा वॉशरूम, बेसिक सा वॉशरूम है। और उसके बाद ये रूम है, ये बेड है, और बस ये मेरे बैग पड़े हुए हैं, टीवी लगी हुई है, 2 आपको सोफ़े जैसा चेयर दे रखी है, सोफ़ा चेयर दे रखी है, टेबल दे रखा है। और इसकी खासियत ये है कि इसके पीछे खिड़की दे रखी है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये खिड़की खुल भी जाती है और खिड़की के बाहर आपको ऐसे घर हैं। और यही जो लेन है, ये जो लेन गई है नीचे, इस पूरी गली में आपको होटल ही होटल मिलेंगे और लाइन से होटल है। और ये मैं हूँ, तो रूम दिखाई दिया, एकदम बेसिक सा रूम मैंने लिया है। और मैंने लिया है 1500 का ये रूम लिया है। और देखूंगी मैं, अभी तो मैंने खाना वाना सब खा लिया है, बस मैं सोने जा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। आज इतना ज़्यादा ट्रैवल हो गया ना कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो आज तो बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ कि वीडियो भी शूट करूँ। लेकिन इस वीडियो का एंड करना था मुझे, तो मैंने सोचा कि अपने आप को दिखा कर और रूम टूर करा के इस वीडियो का एंड करूं। तो यही था ये इस वीडियो में कि मैं बॉम्बे से देहरादून आई और देहरादून से हरिद्वार आई, तो आपको इस वीडियो में ये देखने को मिला। आगे आपको मैं हरिद्वार में जहाँ जहाँ जाऊँगी वहाँ वहाँ मैं वीडियो दिखाऊँगी कि मैं कहाँ कहाँ घूमी हूँ। उसके बाद मैं ऋषिकेश भी जाऊँगी, तो मैं आपको ऋषिकेश के भी दिखाऊँगी वीडियोज़। सो आप बने रहिएगा मेरे चैनल पे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट, शेयर एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर से मिलूंगी अब कल, एक नया दिन, एक नई शुरुआत लेकर आपके सामने फिर आऊँगी। तो बने रहिएगा चैनल पे, तब तक मैं सोती हूँ, आप भी सो जाइए। रात हो चुकी है, अगर आप मेरा वीडियो रात को देख रहे हैं तो रात हो चुकी है, सोना ज़रूरी है टाइम पर, तो सो जाइए। सो गुड नाइट एवरीवन, एंड अपना ख्याल रखिए, प्यार बांटिए और खुश रहिए। बाय।